रवि सिहाग, जिन्होंने जो है तीन तीन बार जो है यूपीएससी क्रैक किया और वो भी हिंदी माध्यम से, और पूरे भारत में 18वां रैंक ला करके जो है यूपीएससी में आईएएस के लिए चयनित हुए। आज जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा आईएएस की तैयारी करने के लिए हमें जो है प्रॉपर मोटिवेशनल और एक स्ट्रेटजी चाहिए। देखिए, रवि सर ने कहा था कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हमारा हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, रवि सर ने कहा कि मैंने एक चीज़ जरूर सीखा कि यदि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं और हम चाहे कितना भी किताब को पढ़ लें, हम जब तक आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक हमारा यूपीएससी क्रैक होगा ही नहीं, क्योंकि हम पढ़ तो बहुत ले लेते हैं, नॉलेज तो बहुत गेन कर लेते हैं, मगर उसकी आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, जिससे सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो हमारा मेंस एग्जाम में होता है कि हमें आंसर तो पता होता है मगर हम लिख नहीं पाते और स्पीड नहीं होता, इसीलिए हमारे आंसर जान के भी छूट जाते हैं, इसीलिए हमारा यूपीएससी में चयन नहीं हो पाता। तो हमें प्रॉपर जो है तीन से जो है दो घंटे, यानी दो से तीन घंटे का हमें आंसर राइटिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में चयन होगा, ना कि बल्कि हमारा एग्जाम सामने आ जाए तो हम अपना जो है 80% जो है हम अपना जो है आंसर राइटिंग में ध्यान दें, तभी हमारा यूपीएससी में चयन होगा और एक अच्छा रैंक आएगा। तो आपको ये आज रवि सिहाग से सीखना चाहिए कि परिस्थिति कितना भी खराब हो हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। क्या अगर रवि सिहाग भी चाहते तो अपना मीडियम चेंज कर लेते, इंग्लिश ले लेते, हिंदी, मगर उन्होंने जो है हिंदी मीडियम से ही परीक्षा दिया, उन्होंने ठान लिया था कि मुझे हिंदी मीडियम से ही यूपीएससी क्रैक करना है, बस मुझे अपनी जो थोड़ी गलती है उसे इम्प्रूव करना है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताना, और क्या आप आंसर राइटिंग करते हैं ये भी बताना। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।